तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं इस पे बबल्स बनाऊंगा। वैसे तो मुझे पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास कैनवास नहीं है, तो मैं इस पे बनाने वाला हूँ। और ये मुझे मिला है, छोड़ो जाने तो क्या बताऊँ। हाँ, उसके बताने का नहीं मतलब है, आपको पेंटिंग से मतलब है, पेंटिंग पे ध्यान दो। तो मैं इस पे पेंटिंग बनाने वाला हूँ, और इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला कलर, जो कि कौन सा है भाई, एक्रेलिक पेंट है, मुझे नहीं पता था, एक्रेलिक पेंट है ये वाला। तो इस वाले कलर से मैं ड्राइंग बनाऊंगा और देखते हैं कैसा बनता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड बढ़िया लगेगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। जो रेड कलर का बटन है ना, उसे ग्रे कलर का कर देना, एंड बेल आइकन बगल में होगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहले पहुँच सके और आप लोग देख लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं टूल्स कौन कौन से यूज करने वाला हूँ। तो गाइस, मैं इसको बनाने के लिए मैं एक्रेलिक का ये वाटर कलर यूज करूंगा, जिसमें मुझे 25 कलर्स मिल जाते हैं। ये वाला कलर है जिसमें कि मैं यूज करने वाला हूँ। और उसके बाद आता है ये ब्रश, जो कि इसमें भी 12 रहते हैं, तो इन सबका मैं यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर मुझे ये मिल जाता है, क्योंकि मैं इसको बता देता हूँ मैंने कहाँ से लाया। ये मेरे घर में बर्थडे था, तो वहाँ से मैंने ले लिया, जो केक के नीचे लगा होता है, और मैंने उसको साफ कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद इसको मैंने लेके आया, फिर तो अब जाके मैं इस पर कलर करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं कि कैसा बनता है। ये ब्लैक कलर का हो चुका है। अब मैं इस पे साइज बाय साइज का ना सर्कल बनाऊंगा, जो कि मुझे बबल्स जो है कि साइज बाय साइज होते हैं ना, छोटे बड़े, फिर उससे बड़े छोटे छोटे, तो उस टाइप की मैं बबल्स के लिए सर्कल्स बना लेता हूँ। फिर इस पे मैं कलर अप्लाई करूंगा। तो गाइस, इस बबल को बनाने के लिए मैं इन 8 कलर का यूज करने वाला हूँ, जो कि मेरे पास लाइट पिंक, ऑरेंज, ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरीके से कलर है। तो मैं इन सभी कलर का यूज करके इस बबल को बनाऊंगा। तो गाइस, फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस पे फेविकोल लगाऊंगा। फेविकोल लगाने से फायदा ये होता है, थोड़ा सा और शाइन करने लगेगा। तो चलो देखते हैं अभी और आगे, मतलब इसमें फेविकोल लगाने में कैसा निकलता है। मैंने एक बार हनुमान जी की ड्राइंग बनाई थी, तो उसमें फेविकोल लगाने से वो फैल गया था, मतलब कलर जो है ना कि ब्लैक वाला कलर ऑरेंज वाले पे आ गया, तो खराब देखने में लग रहा था। तो फिर मैंने इसको कैसे भी करके सही किया है। अब मैं इस बारे में देखता हूँ कि इस बारे पे कैसा रिजल्ट निकलता है। तो गैस, ये है मेरे पास फेविकोल और ये है मेरे पास प्लेट। तो मैंने सबसे पहले इसमें फेविकोल को निकाल लेता हूँ। फाइनली कंप्लीट हो चुका है वर्क, ये देख सकते हो, काफी ज्यादा मस्त भी लग रहा है। और इस टाइप का मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने बनाया था।
और इस टाइप को मतलब मैंने फर्स्ट ही टाइम ड्रॉ किया और इस कलर से किया है, और इससे पहले मैंने भी इस कलर से किया था, बट इतना अच्छा ड्राइंग तो कब भी नहीं बना था, लेकिन ये वाला ड्राइंग देखने के बाद लग रहा है भाई सच में बबल ही है। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पर कैसी ट्यूटोरियल चाहिए होगा और कौन सा कलर आपको इसमें से सबसे फेवरेट है वो भी कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।